हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन रेयर प्रॉब्लम है। ये कभी न कभी आ ही जाता है। ऐसा है कोई पार्ट्स आपके ख़राब हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये वाटर जो लेवल सिलेक्शन का है, इसमें चारों जो LED हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और XL के, ये ब्लिंक करने लगेंगे आवाज़ के साथ। तो इस प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आगे सीधे मुद्दे पे आते हैं और प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि हमारा ये चारों LED ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही हम आपका स्विच से पावर ऑन किए, उसके बाद हम यहाँ से पावर ऑन करते हैं, फिर जैसे ही हम स्टार्ट के लिए बढ़ते हैं तो ये आपका चारों ब्लिंक करने लगता है आवाज़ के साथ। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए सबसे पहले तो आप अगर इसमें काम करना चाहेंगे तो आप अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो भी है उसको निकाल लीजिएगा, स्विच को बंद कर लीजिएगा, फिर आगे काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए मैं इसको आपको, इसमें क्या करना है, ये जो पीछे वाला जो सेक्शन है ये वॉशिंग मशीन का, इसको ओपन करना है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं ऐसा। इसको मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए इसको पहले से ओपन करके रखा है। ये सेक्शन हम ओपन कर लिए। आप ये देख रहे हैं, इसमें अंदर कुछ कुछ पार्ट्स है। ये सोलेनाइड वाल्व है जो पानी को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। ये प्रेशर स्विच है। तो ये जो पार्ट है यही इसके कारण, इस पार्ट के खराब हो जाने के कारण ही इस टाइप के प्रॉब्लम आता है जो वाटर लेवल का सिलेक्शन का। ये पार्ट कैसे काम करता है, जैसे हम वाटर लेवल सेलेक्ट करते हैं तो अंदर एक पाइपिंग होती है, ट्यूबिंग होती है ना। ये ट्यूब अंदर आपके टैंक में गई हुई है, जो अंदर आपका ये टैंक, ये आपका जहाँ पे आप कपड़े डालते हैं उस में ही ये पाइप गई हुई है। जब हम वाटर लेवल सेलेक्ट करते हैं तो उतना पानी उसमें आता है तो एक एयर प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होता है जो ये स्विच को ऑपरेट करता है। तो हमको पता चलता है कि इतना पानी हो गया है वॉशिंग मशीन में, अब इसको स्टॉप करना है और पानी आने नहीं देना है। ये पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये पार्ट सही है नहीं है। ये देखिए, मैंने एक मल्टीमीटर ले रखा है, इसको कंटिन्यूटी मोड में डाल के रखा है। ये देख रहे हैं, कंटिन्यूटी मोड में डाला है मैंने। अभी मैं इसको अगर शॉर्ट करता हूँ तो ये शॉर्ट हो रहा है और ये आवाज़ कर रहा है। और ये प्रेशर स्विच को हम कैसे चेक करें, देखिए, अब ये प्रेशर स्विच में 3 लीड है। मैंने इसको कनेक्टर को ओपन कर लिया है, 3 लीड है। तीनों लीड में पहला और जो लास्ट का लीड है, इसको मैं जब शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है शॉर्ट हो रहा है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए आवाज़ कर रहा है। लेकिन अगर आपका ये जब पार्ट ख़राब हो जाएगा तो ये आपको शॉर्ट नहीं बताएगा, ओपन बताएगा, मतलब आपको कोई भी साउंड नहीं देगा। जैसे इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है शॉर्ट करने पे, मल्टीमीटर से अगर हम चेक कर रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कंटिन्यूटी बता रहा है। वैसे ही पहला और तीसरा लीड में, दोनों के लास्ट वाले लीड में आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा, मतलब इसका मतलब ये ना काम करना बंद कर दिया है। और इसी के कारण आपको जो वाटर लेवल का सिलेक्शन का जो LED है वो ब्लिंक कर रहा है और आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स, ये आपका जो वाटर लेवल से सिलेक्शन से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और प्रेशर स्विच से जो हम रिलेटेड प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसके ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।